हाय एवरीवन, आज मैं बनाने वाला हूँ खट्टा मीठा पनीर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में, इजी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट सोर्स नहीं करने हैं। एनीबॉडी कैन मेक इट। लेट्स बिगिन विद द रेसिपी नाउ। टू बिगिन विद 300 ग्राम पनीर है हमारे पास। मैं सारा नहीं बनाने वाला हूँ आज, करीबन 150 ग्राम की हम रेसिपी बनाएंगे। और यहाँ पर है मेरे पास गर्म किया हुआ पानी। अब मैं गर्म पानी में पनीर क्यों डालता हूँ, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो हमारा टाइटली कंप्रेस्ड पनीर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, बिकॉज ये है पैकेट वाला पनीर। सो इसमें डाल के मैं इसको रख दूंगा, मीन वेल में मसाला तैयार कर लूंगा। और जितना आपका पनीर बचता है नेक्स्ट बार रेसिपी के लिए, आप क्या करें, इसी पानी को ठंडा करके एक डब्बे में डाल के बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए। सो आप ज़्यादा देर तक पनीर को इस्तेमाल कर पाएंगे। सो यहाँ पर मेरे पास 5 टमाटर है, मैं क्या करूँगा इनके मोटे मोटे पीस ही करने हैं। सो टमाटर को मोटा मोटा काटने के बाद मैं इस प्लास्टिक कंटेनर में ले रहा हूँ, मतलब माइक्रोवेवल कंटेनर में। अब मैं इसको माइक्रोवेव करूँगा। अब मैं टमाटर माइक्रोवेव में रख दूंगा करीबन 3 मिनट के लिए। मीनवाइल हम टमाटर को माइक्रोवेव कर रहे हैं। माइक्रोवेव में क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज उससे ना पकाना बहुत आसान हो जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट होगा। यहाँ पर मैं एक प्याज को स्लाइस करने वाला हूँ, और यहाँ पर मेरे पास गार्लिक है, इसको मैं कस के यहाँ पर रखूँगा। इस रेसिपी को मैं हाई फ्लेम पे बनाने वाला हूँ कढ़ाई के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिफाइंड ऑयल ले लेंगे हम। सो वहाँ पर तेल गर्म हो रहा है, इसे मैं जीरे को और कलौंजी को साथ में पाउंड कर लूँगा। अब रुकना नहीं है, तेल गर्म होने के बाद जीरा और कलौंजी सीड्स को मैंने अंदर डाल दी, जिसको मैंने कूट लिया था, साथ में ही प्याज, और उसके साथ ही जाएंगे ये जो लहसुन मैंने ग्रेट किया था। अब इसको हम चला लेंगे साथ के साथ। सो प्याज को ज़्यादा देर तक हमें भूनना नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट हो जाए बस ज़रा सा, उसके बाद ऐड करेंगे टमाटर को। देखिए जॉब इज़ गॉन सो ईजी, क्योंकि हमने 3 मिनट के लिए टमाटर को माइक्रोवेव कर लिया। इसे करीबन 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ कश्मीरी चिली पाउडर फॉर गुड कलर, और उसके साथ ही बिल्कुल ज़रा सा हल्दी का पाउडर, साथ में गया सॉल्ट। अब इसे करीबन 2 मिनट के लिए, ताकि कलर जो है अच्छे से बाहर निकल के आ जाए, तो इसको पहले 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए टमाटर की सारनेस को बैलेंस करने के लिए आधा टीस्पून शुगर, थोड़ा सा पेपर, साथ में करीब 1 चुटकी दालचीनी, आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, अच्छे खट्टे मीठे फ्लेवर के लिए आधा ढक्कन नेचुरल विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको पका लेंगे करीबन 2 मिनट के लिए। अब हम फाइनली इसके अंदर ऐड करेंगे पनीर के क्यूब्स, उसके साथ में यहाँ पर मैं हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट लूँगा। हरी मिर्च और लंबा कटा हुआ अदरक साथ में गया इसके। अब इसके अंदर जाएगा शाइन के लिए, ये एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है। एंड में देसी डालने का ये फ़ायदा है कि अच्छी शाइन आती है, एक अच्छा फ्लेवर आता है। फाइनली कसूरी मेथी, अब इसे हम साथ में चला लेंगे। अब 2 मिनट के लिए पकाएंगे हम। सो बस 2 मिनट ही पकाया मैंने पनीर को, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर पनीर के अंदर चला जाए। बाकी पनीर होगा बहुत सॉफ्ट, बिकॉज जो हमने गर्म पानी के अंदर उसको भिगोया था, उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अब हमारा पनीर हो गया तैयार। सो हमारा खट्टा मीठा कढ़ाई पनीर तैयार हो गया जी, इट्स लुकिंग फैबुलस।